वेलकम डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम आपके साथ इंडिया VIX इंडेक्स के बारे में चर्चा करेंगे और इस लेक्चर में हम आपको ये बतलाएंगे कि ये इंडेक्स का मतलब क्या है, ये इंडेक्स कैसे काम करता है और इस इंडेक्स की जो इंटरप्रिटेशन है वो कैसे होती है। हल्का सा हम आपको ये बतला दें कि जो VIX इंडेक्स है, ये इंडेक्स शेयर मार्केट में जो ट्रेड करते हैं उनके लिए बड़ा ही वैल्यूएबल है, बड़ी ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन उनके लिए ये प्रोवाइड करेगा। इसके लिए आपको इसको समझना जरूरी है। सो वन बाय वन हम आप स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज VIX। VIX का जो मीनिंग है वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो VIX को सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। इट इज अ रियल टाइम इंडेक्स। सो सबसे पहले तो ये रियल टाइम इंडेक्स है, ये आपको स्पॉन्टेनियस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा मार्केट के बारे में। बट किस चीज के रिगार्डिंग ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा वो भी हम आपको बताएंगे। ये रियल टाइम इंडेक्स है, डिजाइंड टू मेजर द डिग्री ऑफ फियर अमंग मार्केट पार्टिसिपेंट्स। जो दोस्तों ट्रेडर्स होते हैं ना शेयर मार्केट में, ट्रेडर्स बोलो या जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं, मार्केट पार्टिसिपेंट्स को जो मार्केट के प्रति जो फियर है, फियर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? फियर का मतलब होता है वॉलेटिलिटी, वॉलेटिलिटी इन मार्केट। शेयर मार्केट में जितनी ज्यादा वॉलेटिलिटी होगी उतना ही ज्यादा रिस्क होता है ट्रेडर्स को, ठीक है। तो उस रिस्क को मेजर करने के लिए ये इंडेक्स प्रिपेयर किया गया है, ठीक है जी। और ये इंडेक्स जो है जी, इंडेक्स CBO, CBOE शिकागो बोर्ड ऑप्शंस एक्सचेंज ने 1993 में इंट्रोड्यूस किया था। ये इंडिया में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने 2008 में इंट्रोड्यूस किया। और ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में किस चीज को मेजर करता है? टू मेजर द डिग्री ऑफ वॉलेटिलिटी दैट ट्रेडर्स एक्सपेक्ट ओवर द नेक्स्ट 30 डेज। स्टूडेंट्स यहां पे 30 डेज लिखा हुआ है इन निफ्टी 50 इंडेक्स, यानी कि जो निफ्टी का 50 इंडेक्स है उसमें जो 30 डेज आने वाले हैं, ठीक है ना, कमिंग 30 डेज में जो ट्रेडर्स हैं, जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं, उनको कितना वॉलेटिलिटी नजर आ रही है, ठीक है, उनको कितना ये नजर आ रहा है कि मार्केट आने वाले 30 डेज में कितनी वॉलेटाइल रहने वाली है। जितनी ज्यादा वो उम्मीद करेंगे कि मार्केट ज्यादा, ठीक है, मोर वॉलेटाइल रहेगी तो उतना ही ये इंडेक्स बढ़ जाता है, उतनी ही इस इंडेक्स की जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है जी। अगर उनको लगे कि वॉलेटिलिटी कम है, आने वाले 30 डेज में जो वॉलेटिलिटी है वो काफी कम रहने वाली है, तो ये इंडेक्स की वैल्यू भी कम हो जाएगी। सो इन दिस वे VIX इंडेक्स जो है, VIX इंडेक्स जो है वो वॉलेटिलिटी को मेजर करेगा। और इस इंफॉर्मेशन से जो शेयर मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं वो अपनी इन्वेस्टमेंट का जो डिसीजन है वो ले सकते हैं, ठीक है जी। और स्टूडेंट हम ये भी बता दें आपको कि जो VIX है ना, VIX ये ट्रेडमार्क है बेसिकली, ठीक है, ये ट्रेडमार्क है। और ये किसका ट्रेडमार्क है? CBOE शिकागो बोर्ड ऑप्शन एक्सचेंज का ये ट्रेडमार्क है। इंडिया में स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने, ठीक है, इंडिया में स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने हमें लाइसेंस, मतलब कि जो NSE है, NSE को लाइसेंस दिया है इसको यूज करने का,
ठीक है। सो मींस जो स्टैंडर्ड एंड पुअर्स पुअर्स है उसने सीबीओई से यानी कि शिकागो बोर्ड ऑप्शन एक्सचेंज से परमिशन लेके हमको ये इंडेक्स की के इस्तेमाल की परमिशन जो है वो दी है, यानी कि लाइसेंस दिया है। तो आपको वीआईएक्स इंडेक्स की जो इन शॉर्ट जो मीनिंग है वो आपको क्लैरिटी तो बन गई होगी कि ये इंडेक्स वॉलेटिलिटी जो है ओवर द नेक्स्ट 30 डेज इन द निफ्टी 50 इंडेक्स उसको मेजर करने का काम करेगा। अगर जो ट्रेडर्स हैं, जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं, उनको ये लगता है कि आने वाले दिनों में, आने वाले 30 डेज में मार्केट काफी वॉलेटाइल रहने वाली है। वॉलेटाइल मार्केट का मतलब स्टूडेंट्स ये होता है कि जब जो शेयर्स है वो काफी हाई मैग्नीट्यूड से, ठीक है ना, अपनी पोजीशन चेंज करते हैं, मतलब के कभी बहुत ज्यादा अप जाएंगे, कभी बहुत ज्यादा डाउन जाएंगे, मींस इसको स्टेबल नहीं होगी मार्केट, मतलब के आप उसकी जो डायरेक्शन है ना मार्केट की वो सेट नहीं कर पाएंगे, अनएक्सपेक्टेड होती है मार्केट। जब बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड हो जाए, आप उसको गेस ना कर पाओ, आप कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे फैक्टर्स मार्केट में काम करते हैं जो आपको मतलब कि आने वाले 30 डेज या मतलब कि आने वाले समय में जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम है उसको जज नहीं करने देते कि मार्केट का मूड क्या रहेगा। मार्केट बहुत ज्यादा स्विंग करती है, जब मार्केट के शेयर बहुत ज्यादा स्विंग करते हैं और जिसकी आपको प्रेडिक्शन नहीं होती भी इतना स्विंग करेंगे, उसको हम वॉलेटिलिटी बोलते हैं। जब वॉलेटिलिटी ज्यादा हो तो रिस्क ज्यादा होता है, रिस्क ज्यादा होगा तो नेचुरली है जो शेयर मार्केट ट्रेडर्स हैं उनको शेयर जो है जो ट्रेड है वो अवॉइड करना चाहिए। बट हम ये सजेशन हम आपको बिल्कुल एंड ऑफ द स्लाइड पे प्रेजेंट करेंगे। अभी हमने सिर्फ ये देखा कि जो आपका VIX है वो एक रियल टाइम इंडेक्स है जो आपको स्पॉन्टेनियस पिक्चर प्रेजेंट करेगा टाइम टू टाइम जो मार्केट में, मार्केट पार्टिसिपेंट में जो फियर है, फियर किस चीज का, वॉलेटिलिटी का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस स्लाइड में हम आपको ये बतलाएंगे कि ये वर्क कैसे करता है, हाउ इट वर्क्स। तो इसमें आपके सामने हमने जो वी आई एक्स की वैल्यूज हैं उन वैल्यूज को प्रेजेंट किया है और उन वैल्यू के जरिए हम आपको ये चीज अंडरस्टैंड करवाएंगे कि इसको आपने कैसे रीड करना है। अगर दोस्तों, अगर वी आई एक्स की वैल्यू जो है वो 30 से ज्यादा है, ठीक है, 30 से ज्यादा है, तो आप इससे ये अंदाजा लगाएंगे कि मार्केट में काफी वॉलेटिलिटी है और जो शेयर्स के प्राइसेस होंगे उसमें ड्रामेटिक स्विंग्स आ सकते हैं। मींस ये इस चीज का इंडिकेशन है, ये इस चीज को दर्शाएगा कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनके माइंड में मार्केट के लिए काफी फियर है, मार्केट में जो वॉलेटिलिटी है वो हाई है, जिसकी वजह से उनके उनका जो फियर है वो ज्यादा होगा। ठीक है, अगर वीआईएक्स की वैल्यू 30 से लेस हो तो उसे हम लेस वॉलेटिलिटी मानते हैं। जितनी वीआईएक्स की वैल्यू 30 से कम होती चली जाएगी, जैसे मान लो एक वीआईएक्स की वैल्यू 25 है, 25 इज लेस देन 30, अगर वीआईएक्स की वैल्यू मान लो 15 है तो जितनी ज्यादा वो 30 से कम होगी उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, वॉलेटिलिटी कम होगी, जितनी वॉलेटिलिटी कम होगी आप मार्केट की जो स्टेबिलिटी है वो जज कर सकते हो। मार्केट ज्यादा स्टेबल होगी उसमें जो ड्रामेटिक स्विंग्स हैं, जो अप्स एंड डाउन्स होते हैं, जो वो बहुत वायलेंट नहीं होंगे। ठीक है, आपके मन में जो फियर होगा मार्केट के प्रति, जो इन्वेस्टर्स में होता है, जो मार्केट पार्टिसिपेंट में होता है, वो कम होगा। और अगर स्टूडेंट्स वैल्यू जो है मान लो 33 है, उसके बाद मान लो वैल्यू 36 है या 40 है, जितनी ज्यादा वैल्यू 30 से ऊपर जाएगी उतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी बढ़ती जाएगी। सो ऐसे हम अपना जो वी आई एक्स है उसकी जो वैल्यू है उसको जज करते हैं। इस स्लाइड में हम आपको ये बतलाएंगे कि जो इंडिया का
जो इंडिया का VIX इंडेक्स है और जो निफ्टी का जो इंडेक्स है उसमें कैसा कोरिलेशन है वो हम आपको बतलाएंगे। तो स्टूडेंट्स, उसके बारे में हम पहले तो ये बतला दें कि हमने देखा ये है कि देखो, जब हम यहां पे आपको थोड़ा सा इसके बारे में बतला दें कि जो निफ्टी है, जब निफ्टी में वॉलेटिलिटी कम होगी तो जो निफ्टी है वो ऊपर की ओर चलता है, ठीक है। क्योंकि जब मार्केट में वॉलेटिलिटी हाई होती है, मींस उसको हमने VIX से मेजर किया, ठीक है, VIX से मेजर किया। जब VIX कम होगा तो ये इंडिकेट करेगा कि मार्केट में जो वॉलेटिलिटी है, जो फियर अमंग दी पार्टिसिपेंट है, वो कम है, तो वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि उनको जो फियर है वो उनका कम हो गया, क्योंकि उनको लगा कि वॉलेटिलिटी कम है, दैट्स वाई वो इन्वेस्ट करते हैं, जिससे निफ्टी राइज करता है, ठीक है। अगर आप ये देखोगे कि आने वाले टाइम में जो VIX है, जो वॉलेटिलिटी है मार्केट में, वो बढ़ने वाली है, तो जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स में जो फियर फैक्टर होगा वो बढ़ जाएगा। जब फियर फैक्टर बढ़ जाएगा तो नेचुरली है, लोग मार्केट से थोड़ा सा परहेज करेंगे, थोड़ा सा दूर रहना पसंद करेंगे, कम ट्रेड करेंगे, कम शेयर्स में इन्वेस्ट करेंगे। सो दैट्स वाई निफ्टी फॉल करेगा। तो यहां पे एक बहुत अच्छी जो बात निकल के आपके सामने आएगी वो है कोरिलेशन। हमारे पास दो चीजें हैं, एक तो हमारे पास है इंडिया का VIX, जो इंडिया की जो शेयर मार्केट है उसकी जो वॉलेटिलिटी है उसको मेजर करता है, उसके फियर को मेजर करता है। एक जो इटसेल्फ जो शेयरों के प्राइसेस के हिसाब से जो चलता है निफ्टी, वो है हमारे पास, ठीक है। तो हिस्टोरिकल डेटा आपके सामने हमने कलेक्ट किया है, ठीक है, मतलब इसको हमने रिसर्च किया है और उसमें हमने पाया है, ये हमने सोर्स जो है वो मतलब के ढूंढे हैं, उससे पता चला है कि जो मतलब इंडिया VIX और निफ्टी का इंडेक्स है उसमें जो कोरिलेशन है वो नेगेटिव है। देखो, नेगेटिव भी कितनी, -0.8 से लेकर -0.85 तक। तो ये स्टूडेंट्स काफी हाई कोरिलेशन है। तो इससे पता चलता है कि दोनों आपस में ऑपोजिटली बिहेव करते हैं, और काफी अच्छा इनका जो ऑपोजिट बिहेव देखने को मिला है, क्योंकि जो कोरिलेशन की वैल्यू है दैट इज वेरी हाई, दैट इज नॉट मतलब कि इतनी कम नहीं है कि हम इससे इससे कुछ अच्छा पता ना चला सकें। ये अच्छी इंडिकेशन दे रही है कि इनमें नेगेटिव कोरिलेशन है। बाकी स्टूडेंट्स, आप ऊपरला जो ग्राफ है ना उसको भी अगर नोटिस करोगे तो वहां भी आपको देखने को मिलेगा, जो ब्लू कलर है वो निफ्टी को दर्शाता है, ठीक है। देखो, जब निफ्टी ऊपर जा रहा है, ठीक है ना, ऊपर देखो, ऊपर जा रहा है, देखो यहां पे देखो आप, निफ्टी ऊपर जा रहा है ना, ये देखो, ये देखो, डन। तो उस निफ्टी ऊपर जा रहा है, और आप जब इसको देखोगे ना, जो आपका इंडिया का VIX है, ठीक है, जो आपको इस कलर का दिखाई दे रहा है, देखो जब ये ऊपर जा रहा तो ये नीचे आ रहा है, ठीक है ना, तो फिर नीचे आता गया ना, आता गया, ठीक है ना। अब ये आपका निफ्टी ऊपर जा रहा था और VIX नीचे जा रहा था, इससे ये साफ जाहिर होता है कि भाई नेगेटिव कोरिलेशन है, जो मतलब कि आपके सामने ग्राफ से निकल के आई है। तो इन दिस वे स्टूडेंट्स, ये आपको एक पता चल गया कि भाई निफ्टी और इंडिया VIX में ऑपोजिट रिलेशनशिप है, कि जब VIX की वैल्यू बढ़ती है तो रिस्क बढ़ता है, रिस्क बढ़ता है तो निफ्टी डाउन जाता है, ठीक है। तो आप हम इस पोजीशन पे पहुंचेंगे कि आपको ये इंडेक्स कैसे काम आ सकता है। तो स्टूडेंट्स देखो, जो आपने VIX के बारे में समझा उससे आप ये अंदाजा तो आपको हो गया होगा कि अगर VIX ज्यादा है तो आपको जो शेयर मार्केट है उसमें
इन्वेस्ट करने करना नहीं चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। अगर आप एक रिस्क अवॉइडर कैटेगरी में आते हो, आप अगर आप ज्यादा जोखिम नहीं उठाना चाहते, तो आप जब VIX की वैल्यू हाई हो तो शेयर मार्केट में आप इन्वेस्ट कम करें। अगर VIX लो हो तो वो ये दर्शाएगा कि मार्केट में स्टेबिलिटी है, मार्केट में जो जो फियर है अमंग द मार्केट पार्टिसिपेंट्स वो लो है, तो वो आपको आपको वहां पे इन्वेस्ट करना कर सकते हो आप इन्वेस्ट, ठीक है। बाकी मेरे दोस्तों आपको ये बता दें कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना या ना करना वो अपनी आपकी ये पर्सनल राय है, पर्सनल आपकी चॉइस है, ठीक है। हमने ये VIX को, ठीक है, कैसे आपके आपको ये गाइड कर सकता है उसको बतलाने की कोशिश की है। अगर आपको ये हमारा लेक्चर पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करें। हम आगे भी आपको ऐसी जो इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं वो आपके लिए प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू।